साउथ इंडियन फिल्मों की क्वीन, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अजय देवगन की सिंघम एक्ट्रेस बनकर राज कर चुकी काजल अग्रवाल के बारे में जानते ही हैं आप। इन्होंने शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत बड़ी ही धूमधाम से की इस साल। लेकिन काजल के बारे में एक राज जो हम आपके बीच आज खोलना चाहेंगे, वो राज ये है कि काजल जिन्होंने गौतम किचलू के साथ शादी साल 2020 में करने के बाद 36 की उम्र में घर बसा लिया है, जो कि बॉलीवुड ही नहीं तमिल तेलुगु फिल्मों में ज़बरदस्त एक्टिंग से अपना नाम का परचम लहरा चुकी हैं। जिन्होंने डेब्यू किया साल 2004 में फिल्म क्यों हो गया से, और उसके बाद साल 2007 में उनकी तेलुगु फिल्म रिलीज हुई लक्ष्मी कल्याणम, और फिर वो एक से बढ़कर एक फिल्मों की बनी क्वीन। आज उस काजल के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपको शायद मालूम ना हो लेकिन एक बहुत ही बड़ी बीमारी से काजल पीड़ित है। काजल अग्रवाल को है एस्थमा। जी हाँ, एस्थमा से पीड़ित है काजल, और इस डिजीज़ की वजह से वो काफ़ी तकलीफ में रही हैं सालों से। जी हाँ, यो इन्हेलर वो यूज़ कर रही हैं सालों से, इस बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। जी हाँ, खुद उन्होंने रिवील किया था ये राज इस साल फरवरी के महीने में ओपन करते हुए अस्थमा को लेकर, कि वो काफ़ी प्रॉब्लम रही हैं, उन्हें ब्रोंचियल अस्थमा है और डाइट्री रिस्ट्रिक्शन में भी वो रह रही हैं सालों से। और उन्होंने ये भी कहा कि डेरी और चॉकलेट्स उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन वो काफ़ी कंट्रोल में अपनी लाइफ को रखती हैं। जी हाँ, अस्थमा पेशेंट ऐसे तो बॉलीवुड में प्रियंका चोपड़ा भी है, इससे पहले अमिताभ बच्चन को भी अस्थमा हुआ, और अब काजल ने ये राज खोला। काजल ने स्टेटमेंट में कहा, नाउ इट्स द वन थिंग दैट आई मेक श्योर टू ऑलवेज केयर विथ मी, दैट्स इनहेलर। श्योर आई गेट द ऑड क्वेश्चन और जजमेंटल लुक एवरी नाउ एंड देन एंड वेयर इट डज नॉट बॉदर मी। लोग मुझे बहुत जज करते हैं लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती। हमारे कंट्री में इनहेलर की ज़रूरत है और लोग फिर भी चूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सोशल स्टिग्मा है, लोग शर्म करते हैं, जो बहुत गलत है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।